अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की छोटी सी वीडियो में हम दो इन्वर्टर्स को कंपेयर करके देखेंगे, जिसमें से एक इन्वर्टर इनविडेक्स 6 किलोवाट का है, नाइट्रोक्स सीरीज का, और एक सोलिस का है एल प्लस मॉडल। इन दोनों इन्वर्टर्स में से कौन सा इन्वर्टर बेहतर है और कौन सा इन्वर्टर, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीजें हम जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इनकी डाटा शीट से, टेक्निकल डाटा के थ्रू। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जनाब नाइट्रोक्स की, ये दोनों इन्वर्टर्स जो है, नाइट्रोक्स भी और सोलिस, ये दोनों 6 किलोवाट के हैं, नंबर वन चीज होगी। दूसरे नंबर पे हम आते हैं इसकी मखसूस स्पेसिफिकेशन पे, 6 किलोवाट की हैं, बैटरी टाइप जो है लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरी सपोर्ट करता है। दोनों ही इन्वर्टर्स लिथियम आयन बैटरी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सोलिस का बैटरी टाइप में लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी सपोर्ट करता है, और इधर से इसमें भी लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी सपोर्ट करता है। अब इसमें हम मैक्सिमम जो है सोलर पैनल कितने वाट के लगा सकते हैं, जो इनविडेक्स का है उसके साथ 7800 वाट के हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, इनविडेक्स जो नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट का मॉडल है, और जबकि सोलिस जो है उसके साथ हम 9600 वाट तक के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। वीडियो को कंपेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग अगर सोलर इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें जो है वो चेक करनी चाहिए और क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए और कौन कौन से मॉडल्स को कंपेयर करें तो क्या चीज हमारे सामने आती है, ताकि आप लोगों जो भी इन्वर्टर लें तो बेहतर इन्वर्टर हो। और इस तरह की और बहुत सारी चीजें मेरे सोलर सिस्टम के रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट सेटअप भी मौजूद है। इसके अलावा काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगेगा, इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो बात हो रही थी कि नाइट्रोक्स के साथ आप ज्यादा से ज्यादा 7800 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, जबकि सोलिस के साथ आप 9600 वाट के इन्हें पैनल लगा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे है कि आप जो पीवी इनपुट वोल्टेज है, यानी कि कितने वोल्ट आप दे सकते हैं इस इन्वर्टर को, तो जो इन्वर्टर का इनविडेक्स का इन्वर्टर है उसके साथ उसमें उसे आप ज्यादा से ज्यादा 370 वोल्ट तक दे सकते हैं। 370 वोल्ट जो है वो रिकमेंडेड वोल्टेज है, इससे ज्यादा ना दें तो बेहतर है। तो इसके साथ आप 370 तक वोल्ट आप दे सकते हैं अपने सोलर पैनल से, उनकी स्ट्रिंग इस तरह बनाए। जबकि सोलिस के साथ जाए तो सोलिस में आप 500 वोल्ट तक जो है वो इसे वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है जनाब, उसके बाद बारी आ जाती है जनाब मैक्सिमम जो करंट है, एम्पेयर है, जो स्ट्रिंग से आएंगे वो 13×13 की 2 स्ट्रिंग है, यानी कि एक स्ट्रिंग में ज्यादा से ज्यादा 13 एम्पेयर हो, और सोलिस में आप जो है वो 16×16 यानी कि 16 एम्पेयर मैक्सिमम एक स्ट्रिंग में दे सकते हैं। उसके बाद जनाब आउटपुट डेफिनेटली वो 6000 वाट है इसकी आउटपुट। उसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो इनविडेक्स की 97.6 है, जबकि सोलिस की एफिशिएंसी अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने हाईलाइट करके रखी है, 96.2 है। ठीक है जनाब, और उसके बाद जो स्मार्ट कूलिंग है इसमें, ठीक है, सोलिस में भी स्मार्ट कूलिंग है। देन जो IP65 है, जो इनविडेक्स है वो IP65 है और सोलिस जो है वो IP66 है शायद, जी हाँ, सोलिस जो IP66 है। सोलिस इन्वर्टर का जो वेट है वो 21.6 किलोग्राम है, जबकि इनविडेक्स का जो इन्वर्टर है उसका वेट 14 किलोग्राम है। ठीक है, काफी फर्क है इसके इन्वर्टर के वजन में। वारंटी जो है इनविडेक्स वाले 5 साल की दे रहे हैं, ठीक है जी, सोलिस वाले वारंटी जो है वो भी 5 ईयर की दे रहे हैं, लेकिन आप इसे 20 साल तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो सोलिस का ये 6 किलोवाट वाला इन्वर्टर आपको अप्रोक्सीमेटली मार्केट में से 2.5 लाख से 2.60 लाख 2.70 लाख तक का मिल रहा है, और ये इनविडेक्स का जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो मैंने प्राइस चेक की है, मार्केट से पता करने की कोशिश की है, उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, 2 लाख 50 भी है, 3 लाख भी है, 2.25 लाख, मतलब वो उसकी कुछ बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी कि ये कितने प्राइस में जो है वो इन्वर्टर मिलेगा। अगर इस सारी चीजों को हम चेक करें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं,
लाइक अगर फिर दोबारा से देखें तो 9600 वाट हम उसके सोलर पैनल को के 9600 वाट तक मैक्सिमम हम सोलर पैनल दे सकते हैं सोलिस में, और इनविरक्स में जो है वो हम 7800 वाट दे सकते हैं। तो ये सोलिस बेहतर है मैक्सिमम। अच्छा एक और चीज, स्टार्टअप वोल्टेज जो है सोलिस की वो 90 वोल्ट है, जबकि इनविरक्स के स्टार्टअप वोल्टेज यहाँ पे देखें 125 वोल्ट है। यानी कि सोलिस जो है वो 90 वोल्ट से अपनी स्टार्ट शुरू कर लेगा, अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगा, आउटपुट देना शुरू कर देगा, जबकि इनविरक्स को कम से कम 125 वोल्ट चाहिए सोलर पैनल से कि वो अपनी वर्किंग शुरू कर सके। तो ये काफी जो बेहतर है सोलिस इन्वर्टर 6 किलोवाट जो प्लस मॉडल है। अच्छा एक चीज और इसमें बता दूं कि इनविरक्स की जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है, ठीक है, जबकि सोलिस इन्वर्टर की स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है। आपको मगर मैं दिखाऊं यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन है सोलिस की, स्क्रीन काफी अच्छी है इसकी, 7 इंच की अब बड़ी स्क्रीन है और 4 बटन है इसके साथ, जबकि इनविरक्स जो है वो उसकी टच स्क्रीन है, ठीक है। सो मुझे जो इस कंपैरिजन से चीज बेहतर लगी वो ये है सोलिस इन्वर्टर जो है ना वो हर लिहाज से बेहतर है, वो सोलर पैनल की इनपुट के हवाले से, स्टार्टअप वोल्टेज के हवाले से, एम्पेयर की इनपुट के हवाले से है, ठीक है, और इस तरह IP66 है वो IP65 है, तो हर हवाले से जो सोलिस है वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर बेहतर है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आप 6 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, तो सोलिस का जो ये मॉडल है सोलिस EH1P6KL+ मॉडल 7 इंच स्क्रीन वाला, ये सबसे बेहतरीन इस वक्त सोलर इन्वर्टर है मार्केट में 6 किलोवाट में। बाकी वो इसके मॉडल्स भी आउट क्लास हैं और ये यूरोपियन कंट्रीज में भी इन्वर्टर्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं और वहां पे भी इनकी काफी डिमांड है। सो ये आज का छोटा सा कंपैरिजन था, होप्स वो आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा। सो आप लोगों ने जो चीजें चेक करनी होती हैं वो यही होती हैं कि जनाब हम इसके साथ कितने वॉट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, नंबर वन, नंबर टू ये स्टार्टअप वोल्टेज क्या है इसके, ठीक है, नंबर थ्री जो है मैक्सिमम कितने वोल्ट हम दे सकते हैं एक स्ट्रिंग में इन्वर्टर को, और नंबर फोर पे है कि हम मैक्सिमम कितना करंट दे सकते हैं एक स्ट्रिंग में। तो ये चीजें मेन चीजें हैं, जो 4-5 चीजें हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा इन्वर्टर किस काबिल है। आप लोगों को मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है, तो कंपैरिजन में सारी चीजें जो है वो सोलिस की आउट क्लास है, बेहतरीन है, स्टार्टअप वोल्टेज हो, वो सोलर पैनल के वाटेज हो, वो इनपुट वोल्टेज हो, वो एम्पेयर हो, तो ये सारी चीजें आउट क्लास चीजें हैं। तो मुझे जाती तौर पर सोलिस का जो ये इन्वर्टर है 6 किलोवाट वाला और इसकी इसमें बाकी सीरीज जो है वो बहुत अच्छे लगे हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इन इस सोलिस 6 किलोवाट की जो मुकम्मल इंस्टॉलेशन की वीडियो है वो भी मौजूद है इस पे मेरे चैनल पे। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे जनाब उसकी कुछ सेटिंग्स की भी वीडियोस मौजूद है, ठीक है, तो आप ये वीडियो सारी देखें और कुछ और भी इसी तरह की वीडियोस मौजूद है। होप सो आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।